टूटने के बाद हम लोगों को यहाँ पे एंट्री करना है। हाँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस अगेन कि हम लोग का और एक जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग ने ये प्रेडिक्ट किया था कल कि मार्केट जो ये रेजिस्टेंस बना रहा है, बहुत टाइम से जो रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा था हम लोग के हिसाब से, ये वाला ये तो हम लोग ने कल ही ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा। एक प्रेडिक्शन ऐसा था कि मार्केट इस लेवल को फॉलो करने के बाद अगर मार्केट तोड़ता तो हम लोग को प्रीमियम में बहुत अच्छा गेन मिलता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट गैप अप दिया। अभी हम लोग आगे दिमाग में ये रखना है हम लोग को कि ये जो लाइन मैंने बनाई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तभी अभी वो क्या हो गया, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। तो हम लोग को ये चीज को एसएल लगा के, ये चीज का एसएल लगा के हम लोग को जो भी ट्रेड लॉन्ग करने हैं हम लोग कर सकते। तो यहाँ के टारगेट एकदम क्लियर है। फर्स्ट टारगेट तो मेरा एकदम क्लियर है जो यहाँ पे रहेगा, और सेकंड टारगेट 38,400 रहेगा। तो इसमें कैसा हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसमें जो भी प्रेडिक्शन रहेगा उसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। तो हम लोग कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, कितने भी क्वान्टिटीज ले सकते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो 1300 पॉइंट का अगर टारगेट है और हम लोग का 750 स्टॉप लॉस, कुछ 250 पॉइंट है और हम लोग का जो टारगेट है वो 1300-1500 पॉइंट है, तो काफी अच्छा टारगेट हो जाता है। मेरा ये एक सजेशन रहेगा कि ये चांस प्लीज मिस मत करना तुम लोग। अभी जितने मैं ग्रुप में देख रहा हूँ काफी लोग पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे हम लोग। मेरे थैंक्स, मेरे एनालिसिस को आप ट्रस्ट कर दो। ये जब अगर मार्केट ने तोड़ दिया ये लेवल जो 38,900 है, तो 38,900 ये जो टारगेट है, तो मार्केट यहाँ से 38,400 आराम से जा सकता है। तो 37,900 और 38,400 इतना रेंज है जो आपको इजीली मिल सकता है जो मैंने ड्रॉ करके। एक हम लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि मार्केट इसके ऊपर खड़ा हुआ है। अभी ट्रेंड लाइन हम लोग ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ेगा। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हम लोग ने ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ये रेजिस्टेंस भी तोड़ेगा। ये दोनों प्रेडिक्शन हम लोग के बराबर आए हैं, तो इसके लिए हम लोग को होल्ड करना है। हम लोग का ऐसा नहीं कि देखो मार्केट अभी रिटेस्ट भी करे, यहाँ पे अगर रिटेस्ट किया मार्केट में तो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ टूटेगा तो हम लोग को ये लॉन्ग टारगेट मिले। ऐसे नहीं कि मार्केट ऐसे ही जाएगा, इतना सीधा 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 जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट को समझो, मार्केट में पैसा कमाना है तो ये वीडियो ध्यान से देखो। देखो अभी 200-200 व्यूज आ रहे हैं, अच्छा वॉच टाइम भी मिल रहा है, मतलब लोग अच्छे से देख रहे हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हो, तो इसको समझ के आप ट्रेड, ये मेरा मोटिव है, इसको समझ के बाद ट्रेड लेने के बाद आप पैसा कमा सकते। तो फिर एक बार बोलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं बेरिश हो सकता हूँ, डेली के टाइम फ्रेम में बुलिश हो। तो बेरिश 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे एक रेंज बनाता है, ये रेंज बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ टूटेगा। टूटने के बाद हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है, और यहाँ पे एंट्री करने के बाद हम लोग को होल्ड करना है यहाँ तक जो 38,400 या 300, मतलब 300 और 400 के बीच में हम लोग के सब पोजीशन एग्जिट होनी चाहिए। फिर हम लोग को रिट्रेसमेंट मिलेगा यहाँ से ऊपर जाने के बाद, वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलेगा, यहाँ पे रेंज बनेगा और रेंज फिर ऊपर की तरफ टूटेगा, तब जाके ये बड़े टारगेट्स अचीव हो सकते। तो बड़े टारगेट्स को हम लोग बाद में पहले बात करेंगे, हम लोग इस चीज को बात करेंगे। देखो ये जो रेंज है ना, ये रेंज ब्रेकआउट है, मतलब काफी, आज भी 600 पॉइंट दिया है, आज भी मार्केट ने 666 पॉइंट हम लोग को दिया ही है। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी एक अच्छा टेक्निकल फॉलो कर, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने एक रेशो लगा के रखा है। ऑब्वियसली ये डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली, अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे। फर्स्ट मेरा 15 मिनट्स का सेटअप है, देखो ये 5 मिनट्स का सेटअप है, इसमें एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, और ये टारगेट है नीचे की तरफ, मतलब मार्केट यहाँ से अगर टूटा तो हम लोग को 160 पॉइंट दे सकता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद मार्केट थोड़ा ऐसे रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, ये रेंज पे आपको सेल लेना है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर ये रेंज में घूमता भी है, ऐसे घूमने के बाद भी मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि ये इसका एक टारगेट है। तो सेम एज अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ता है, देखो ये ट्रायंगल जो पैटर्न है वो अगर मार्केट तोड़ेगा इनकेस, तो टूटने के बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसमें आप रेंज वेंज का वेट मत करो। तो फिर 5 मिनट्स और 15 मिनट्स को मैं ऐसे देखता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है आपका अलग पैटर्न रहेगा तो आप वैसे ट्रेड कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा पैटर्न है, मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ। हर यूट्यूबर की तरह मैं ऐसा नहीं बताता आप लोगों को कि अगर ये ऊपर की तरफ टूटा तो इधर ये टारगेट्स रहेंगे, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। अगर मेरा ये
नीचे का ट्रेंड लाइन टूटा तो मैं ट्रेड लूंगा, ऊपर की तरफ टूटा तो मेरे सेटअप में नहीं आया। अगर डेली में मैं बुलिश हूँ तो मैं 15 मिनट्स में बेरिश हूँ, मतलब मार्केट पहले नीचे आके फिर ऊपर जाए, ये मेरा सेटअप। तो अगर ये सब भी देखने के बाद अगर आपको H1 का भी एनालिसिस देखना रहेगा तो H1 का एनालिसिस आप देख ही सकते हो कि कैसे एक्ट कर रहा है। H1 में ऑलरेडी मैं थोड़ा बेरिश हूँ, ये मेरे टारगेट से याद तक, तो सेम ही टारगेट्स रहेंगे हर जगह पे, कोई भी एनालिसिस करो, लेकिन जो भी मेरा ट्रेड रहेगा वो SL मेरा यहाँ पे रहेगा, ये इसके अंदर मेरा SL रहेगा, तो ये मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन है जो सपोर्ट नहीं तोड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जितने लोग देख रहे हो आपको ये बताना चाहते हो कि कमेंट्स भी किया करो ताकि मेरे को समझ में आ सके कि आपको मेरी वीडियो समझ रहे और पैसे कमा रहे। कुछ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत जितने लोग देख रहे हो उतने नहीं कर रहे, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है या तो उन लोग को या तो इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं वो कमेंट कर। तो मेरे को अगर समझ में का है आपका जो भी पैटर्न कमेंट्स में जरूर कर, ठीक है। थैंक यू, शब्बा।